नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 10 का दंगल। आप देख रहे हैं साथ आपके, मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। यूं तो हर बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होती है, लेकिन आज होने वाली बैठक बेहद खास है, जिसमें कृषि कानूनों की वापसी के लिए औपचारिक प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। संसद के आने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान कानून वापस लेने की रूपरेखा को मंजूरी दी जाएगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मांगे माने जाने के बावजूद किसानों के बहाने चल रहे आंदोलन को और तेज करने की कोशिश राकेश टिकैत करने वाले हैं। 29 नवंबर को 7 ट्रैक्टर से 1000 प्रदर्शनकारियों को संसद लाने की धमकी दी गई है, और इतना ही नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा ने इसी नाम पर अब विदेशों में विरोध प्रदर्शन और मार्च की प्लानिंग की है। तो दंगल में आज सवाल यही कि किसानों के नाम पर सरकार से ब्लैकमेलिंग कब तक चलेगी? कृषि कानूनों का अंत होने जा रहा है, फिर अंतहीन शर्तों वाला यह आंदोलन क्यों? प्रधानमंत्री के समाधान की पहल के बावजूद टिकैत घमासान पर क्यों अड़े हैं? और इसी के ऊपर आगे हम चर्चा करेंगे। मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे और तमाम जो मेरे सहयोगी हैं वो भी अलग अलग जगहों से जुड़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त मिल रही है वो पहले आपको बता देती हूं। बड़ी खबर है कि पीएम मोदी के आवास पर आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक है। बैठक में कृषि कानून वापसी को लेकर के चर्चा संभव है। इसके साथ ही सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि कानून को निरस्त किए जाने के लिए विधेयक भी इस बैठक में ले आया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक कृषि मंत्रालय ने पीएमओ के साथ मंथन कर विधेयक तैयार कर लिया है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर मिल रही है, वो भी आप जान लीजिए, राकेश टिकैत से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर। अब टिकैत ने कहा है कि 29 नवंबर को वो पार्लियामेंट पहुंचेंगे, साथ ही 60 ट्रैक्टर पर 1000 किसान भी संसद पहुंचेंगे। अब सवाल यह उठ रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में संसद पहुंचने का आखिर मतलब क्या है? लाल किले को लहूलुहान करने वाले आयाश जीबी अब संसद से साजिश करने वाले हैं। टिकैत की फिर ट्रैक्टर टेरर धमकी, हम पार्लियामेंट में जाएंगे, सीधे रास्ते से जाएंगे। लाल किले के बाद संसद से साजिश, जब तक टेबल पे नहीं बैठेंगे, जब तक बातचीत नहीं करेंगे, तो ये किसान वापसी नहीं जाएगा। पीएम चाहे समाधान, टिकैत करें घमासान। देश के मुखिया ने दुनिया के सामने माना कि वे देश के किसानों को कृषि कानून के फायदे नहीं समझा पाए, इसीलिए उन्होंने तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया। लेकिन पीएम के इस ऐलान से टिकैत एंड गैंग के हौसले इतने बुलंद हो गए कि लाल किले को लहूलुहान करने के बाद अब लोकतंत्र के पवित्र मंदिर की तरफ आंख उठाकर देखने की हिमाकत कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि 29 नवंबर को 1000 किसानों के साथ संसद पहुंचेंगे। 60 ट्रैक्टर जाएंगे, प्रस्तावित हमारे हैं, हम पार्लियामेंट में जाएंगे, सीधे रास्ते से जाएंगे। लाल किले ने तो कानून बनाए नहीं, कानून तो पार्लियामेंट में बने, तो हम पार्लियामेंट में जाएंगे और 1000 लोग का है, जैसे पहले 200 लोग गए थे, अब की बार 1000 लोग। एक तरफ प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर समाधान की ओर बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ टिकैत घमासान की नई साजिशें रच रहे हैं। देश के किसानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया और वे अब जल्द ही अपना वादा पूरा करना चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस बैठक में तीनों कृषि कानूनों की वापसी के लिए विधेयक लाया जा सकता है। इस विधेयक को कृषि मंत्रालय ने पीएमओ के साथ चर्चा के बाद अंतिम रूप दिया है। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कृषि मंत्री इस विधेयक को सदन में पेश कर सकते हैं, लेकिन पहले 200 किसानों के पार्लियामेंट जाने का प्लान बनाने वाले राकेश टिकैत गुमान में इतने चूर हो गए कि 29 नवंबर को अब 1000 किसानों के साथ संसद पहुंचने का दावा कर रहे हैं। किसान आंदोलन के बहाने जिस तरह की अराजकता फैलाकर विपक्ष ने इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की, एक झटके में पीएम मोदी ने उन मंसूबों को चकनाचूर कर दिया। अब टिकैत की नई साजिश क्या ये इशारा नहीं कर रही कि टिकैत के आंदोलन के पीछे उनके सियासी आकाओं का बैकअप है? क्योंकि कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद भी आखिर टिकैत आंदोलन बचाए रखने की अंतहीन जिद पर क्यों अड़े हैं? नई शर्तों के जरिए सरकार से बार्गेन क्यों कर रहे हैं? उनकी डिमांड लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। ये आंदोलन खाली 3 बिल पर नहीं है, इसके साथ में MSP भी है, इसके साथ में बिजली अमेंडमेंट बिल भी है, इसके साथ में पुराली भी है। 2 चीजों पे पहले बातचीत हो गई थी उनसे, 3 बिल पे इन्होंने अब बात करी, अभी MSP का सवाल रह गया, उसके साथ ही जो 1 साल से घटनाक्रम हुए हैं वो भी इसके साथ फिर जुड़े हैं,
उन पर भी बातचीत होगी। क्या अब वो वक्त नहीं आ गया कि देश का किसान तय करे कि उसे आखिर करना क्या है? क्या झांसा देने वालों का साथ देना है जो सियासी साजिशों से देश को गुमराह कर अराजकता फैलाना चाहते हैं, या फिर पीएम मोदी का जिन्होंने किसानों की भावनाओं को समझते हुए अपने ही समर्थकों का विरोध मोल ले लिया? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अच्छा, बड़ी बात यह कि इन किसानों का भरोसा आखिर किया क्यों जाए, क्योंकि अंतहीन लिस्ट भी अब इनकी होती चली जा रही है। अभी 6 मांगे हैं, उनमें आगे 6 मांगे और एड ऑन नहीं हो जाएंगी, इसका भरोसा आखिर क्यों? क्या महज चुनाव तक इस आंदोलन को घसीटते रहने की यह साजिश नहीं है? मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित रंजन लखनऊ से मेरे साथ हैं, प्रिया सिंह वाराणसी से जुड़ी हुई हैं, अयोध्या से मकसूद खान जुड़े हुए हैं और करिश्मा मेरे साथ प्रयागराज से जुड़ी हुई हैं। रोहित, आपका मैं रुख कर रही हूं, आंदोलन तो भारत का था ना, भारत के किसानों के लिए था, भारत सरकार से बात होनी थी। अब जबकि कृषि कानून रद्द हो गए हैं तो फिर विदेशों में प्रदर्शन किस मकसद से? देखिए, यही तो सवाल है शालिनी, जो लगातार जी हिंदुस्तान भी उठाता जा रहा है। हमने तब भी देखा था ना कि खालिस्तान के झंडे लेकर विदेशों में किसान आंदोलन के नाम पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था। यहां पर भी बाहर से फंडिंग हुई, उसके बाद यहां पर फ्रांस के झंडे, कनाडा के झंडे, अमेरिका के झंडे नजर आने लगे। उनकी क्या जरूरत थी? इनका ये कहा गया कि जो हमारे रिलेटिव्स हैं वो वहां पे बैठे हुए हैं। तो आज यही सवाल है कि ठीक है भाई, आपके परिवार वाले वहां पे हैं, लेकिन हमने तो कहा कि सरकार ने तो कहा, देखिए आज बैठक भी हो रही है, हमने कहा था कि हम कृषि कानून वापस ले रहे हैं। जब हम ले रहे हैं तो फिर आपकी मांगे क्यों, फिर संसद में चढ़ाई क्यों? मुद्दा दरअसल ये है कि इनकी मंशा राजनीतिक है, इनकी मंशा राजनीतिक है। ये पूरी तरीके से राजनीति से ओतप्रोत है, इसलिए क्योंकि जब यहाँ लखनऊ में 2 दिन पहले महापंचायत हुई, उस वक्त मैं भी मौजूद था। आप ये सोचिए, महापंचायत में किसानों का मुद्दा होना चाहिए था, कृषि कानूनों को लेकर जो बातें हुई उस पर आगे की रणनीति पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन योगी और मोदी को हटाना है, अगर ये नारे लग रहे हैं तो क्या ये राजनीतिक मंशा नहीं है, राजनीति से प्रेरित नहीं है? अगर किसानों का मुद्दा है तो CAA और NRC पर जब किसानों का कंधा इस्तेमाल हो रहा है, इनसे सवाल पूछा जाता है तो ये बात बदल क्यों देते हैं? यानी सीधे सीधे ये है कि आंदोलन करना और आंदोलन के नाम पे अपने दुकान चलाने की राजनीति है। हाँ, वो लगातार ये बिल्कुल जारी रखना चाहते हैं, बता रहे हैं कि योगी और मोदी को हटाना है, अंदेशा तो पहले से ही था। अच्छा, मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से प्रिया इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई है, तो उनका भी मैं रुख कर ले रही हूँ। प्रिया, क्या लोगों का समर्थन मिल रहा है अब ये जो किसान आंदोलन है? चूंकि आप वाराणसी में इस वक्त मौजूद हैं, वहां का मूड इतने दिनों में आपने भाप लिया होगा, जनता क्या कह रही है वो आपने जान लिया होगा, अभी लोगों का क्या रुख है इन किसानों को? क्या जरा भी समर्थन है आम लोगों का? देखिए, इस वक्त मैं पूर्वांचल में जहां मौजूद हूं, खास करके यहां के लोगों का इन किसानों का कोई भी समर्थन ये लोग करते नजर नहीं आ रहे हैं। इन लोगों से मैंने बातचीत की, यहां के जो किसान हैं उन्होंने ये कहा कि देखिए, ये किसान आंदोलन में अब ये किसान आंदोलन रह ही नहीं गया। आपने जिस चीज के लिए आवाज उठाई थी, चले सरकार तक बात पहुंच गई, सरकार भी अब उन 3 कृषि कानून को वापस लेने का निर्णय भी सरकार ने कर दिया, लेकिन अब पूरे तरीके से ये जो आंदोलन है राजनीति से ओतप्रोत हो गया है। क्योंकि पहले जब बातचीत के लिए दरवाजे खुले थे, रास्ते खुले थे, तब आप बातचीत के लिए तैयार नहीं थे, अब कह रहे हैं कि इस पे सलाह मशवरा करना चाहिए था, हमारी ये प्रमुख मांग है, अब इसको भी आप मान लीजिए। तो ऐसे तो एक के बाद एक मांग इसमें एड ऑन होती जा रही है। मुद्दा 3 कृषि कानून का था, सरकार ने उसे खत्म कर लिया, लेकिन ये आंदोलन खत्म इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये आंदोलन सिर्फ किसान आंदोलन रहा ही नहीं, राजनीति से ओतप्रोत पूरा आंदोलन। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि अब संसद का घेराव करने की बात कही जा रही है। मकसूद, मुझे जरा आप ये बताएं कि अब संसद में ये 3 कृषि कानून रद्द होने हैं, ये भी एक मांग थी, इन सब के बीच में 1000 किसान संसद तक ट्रैक्टर लेकर के पहुंचे, अब इसकी जरूरत क्या बची रह गई है? बातचीत का अगला जो जरिया है वैसे ही अब होगा क्या? देखिए, अगर ये सब नहीं करेंगे तो फिर लाइमलाइट कैसे मिलेगी? अगर ये सब नहीं करेंगे तो फिर इस मुद्दे को आगे बढ़ाया कैसे जाएगा? अगर ये सब नहीं करेंगे तो फिर हुड़दंग कैसे मचेगा देश की राजधानी दिल्ली में संसद का घेराव करने के दौरान? क्योंकि लगातार शालिनी हमने देखा है ना कि पिछले एक साल से दिल्ली पहुंचने के तमाम रास्ते बंद किए हुए, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, और यही टिकट इससे पहले भी ये दिल्ली घेराव की बात कर रहे थे, संसद घेराव की बात कर रहे थे, लेकिन जब हालात खराब हुए, क्योंकि वो तस्वीरें भी लगातार हमने देखी हैं और हमारे जरिए पूरे देश ने देखी है, जब हालात खराब हुए तब उसके बाद खुद को इससे अलग करने की कोशिश न सिर्फ राकेश टिकैत की तरफ से की गई बल्कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भी की गई। तो दरअसल विधानसभा चुनाव है आगे, और कैसे इस मुद्दे को बरकरार रखा जाए, कैसे किसानों को आंदोलन के नाम पर एकजुट किया जाए या भड़काया जाए, और कुल मिलाकर एजेंडा बेहद सेट है, और एजेंडा यही कि लगातार सरकार को परेशान करना है। और भले ही सरकार ने
देखिए 19 नवंबर से लेकर आज 24 नवंबर जी, लेकिन सरकार को परेशान करने में विपक्ष की इस पूरे आंदोलन में क्या भूमिका है? करिश्मा, आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जब तीनों कृषि कानून रद्द होने होता है उसके बाद भड़काऊ तरीके से ट्वीट राहुल गांधी का भी सामने आता है, प्रियंका गांधी का भी सामने आता है, तो अभी भी ये आंदोलन बरकरार रहे क्योंकि फायदा विपक्ष को लग रहा है, कहीं ना कहीं उसे मिलेगा आने वाले विधानसभा चुनावों में। विपक्ष की कितनी भूमिका? बिल्कुल शालिनी, आपने एक सही कहा, एक राजनीतिक एजेंडा किसानों की आड़ में चलाने की यहाँ पे कोशिश हो रही थी, लेकिन आप क्योंकि तीन नए कृषि कानून वापस ले लिए गए तो उसके बाद विपक्ष ने सोचा आप किस मुद्दे को हम लाएं, इसलिए सीएनआरसी इसकी आड़ में यहाँ पे भड़काऊ बयानबाजी हो रही थी, लेकिन अब किसानों के मुद्दे को और तूल दिया जा रहा है। लेकिन हम जो बार बार कह रहे थे, जी हिंदुस्तान भी अपने दर्शकों को दिखा रहा था कि ये किसान नहीं है, क्योंकि एक समझदार किसान इस तरीके से, एक देश का अन्नदाता इस तरीके से देश का माहौल नहीं खराब करेगा, लेकिन विपक्ष जिस तरीके की इसमें राजनीति कर रहा है, किसानों को भड़का रहा है, तो ये किसान नहीं, ये आंदोलनजीवी हैं जो देश की शांति को भंग करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए लगातार हम देख रहे हैं राकेश टिकैत की तरफ से ये बयान सामने आते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये हो जाता है कि आखिर इसको खत्म कैसे किया जाए, सरकार अब इनको किस तरीके से यहाँ पे मनाती है, क्योंकि लगातार देखिए तमाम कोशिशें भी हो गई है, लेकिन अब क्योंकि चुनाव